मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे वी विल रीड चैप्टर 10 कंपैरिजन ऑफ एडजेक्टिव्स. लुक एट द फॉलोइंग सेंटेंसेस. अनिल इज अ वाइज बॉय. कुणाल इज वाइजर देन अनिल. अमर इज द वाइजेस्ट ऑफ ऑल. वी सी द वर्ड्स वाइज, वाइजर एंड वाइजेस्ट आर एडजेक्टिव्स दैट डिस्क्राइब द सेम क्वालिटी. वेन वी कंपेयर टू और मोर नाउन्स द एडजेक्टिव चेंज इन फॉर्म. द थ्री फॉर्म्स आर कॉल्ड डिग्रीज ऑफ कंपेरिजन. देयर आर थ्री डिग्रीज ऑफ कंपेरिजन: पॉजिटिव डिग्री, कंपेरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री. अब इन सेंटेंसेज में तीन एडजेक्टिव्स का यूज हुआ है, वाइज, वाइजर और वाइजेस्ट, जो कि सेम क्वालिटी को डिस्क्राइब कर रहे हैं. जब हम दो या दो से ज़्यादा नाउन्स को का कंपेरिजन करते हैं तो एडजेक्टिव की फॉर्म चेंज हो जाती है. और वो कितने फॉर्म्स में चेंज होती है? थ्री फॉर्म्स में. और वो थ्री फॉर्म्स कौन कौन सी हैं डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन की? पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री. पॉजिटिव डिग्री, द एडजेक्टिव इन इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म इज सेड टू बी इन पॉजिटिव डिग्री. इट डिस्क्राइब्स ओनली द क्वालिटी दैट एन ऑब्जेक्ट हैज़ एंड देयर इज़ नो कंपैरिजन इन्वॉल्व. पॉजिटिव डिग्री कहाँ यूज़ होती है? जहाँ कंपैरिजन हम नहीं कर रहे होते हैं और उसकी सिंपल फॉर्म में वो रहता है एडजेक्टिव, जहाँ पे कोई भी कंपैरिजन नहीं होता. सेकेंड इज कंपैरेटिव डिग्री, व्हेन टू पीपल और थिंग्स आर कंपेयर्ड द कंपैरेटिव फॉर्म इज यूज्ड. जब हम दो लोगों का कंपैरिजन करते हैं वहाँ पे कंपैरेटिव डिग्री का यूज़ होता है. और उसमें लास्ट में कौन सी फॉर्म लग जाती है? ईआर फॉर्म, या जिन वर्ड्स में हम ईआर ऐड नहीं कर सकते उनसे पहले हम मोर का यूज़ करते हैं. सी सुपरलेटिव डिग्री, when we compare more than two people or things we use the superlative degree. superlative means the highest degree of the quality that we are talking about. superlative degree में क्या होता है? हम तीन या तीन से ज़्यादा लोगों का comparison करते हैं और उसके last उन adjectives के last में कौन सी form लग जाती है? est form, जो कि अगर हम किसी वर्ड्स के लास्ट में अगर हम ई एस टी फॉर्म यूज़ नहीं कर पाते तो उन वर्ड से पहले क्या लग जाता है? मोस्ट. तो कंपैरेटिव का हम कब यूज़ करते हैं? जब दो लोगों के बीच में कंपैरिजन हो रहा. और सुपरलेटिव का हम यूज़ कब करते हैं? जब तीन या तीन से ज़्यादा लोगों के बीच में कंपैरिजन हो रहा. नाउ हेयर फॉर्मेशन ऑफ द कंपैरेटिव्स एंड द सुपरलेटिव्स आर गिवन. यू हैव टू रीड इट बाय योरसेल्फ. See exercise A. Fill in the blanks with the correct forms of the adjectives given in the help box. You can use these words more than once if necessary. अब यहाँ आपको ब्रैकेट्स में कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं डिग्रीज, इन्हें आपको यूज़ करना है इन सेंटेंसेज में. साहिल इज द डैश बॉय इन हिज क्लास. अब पूरी क्लास में से साहिल का कंपेरिजन हो रहा है, मीन्स कौन सी डिग्री लगनी चाहिए यहाँ? सुपरलेटिव. तो क्या हो जाएगा? स्मॉल का हम यूज़ करेंगे और लास्ट में कौन सी फॉर्म लग जाएगी? ई एस टी, स्मॉलेस्ट बॉय इन हिज क्लास. मैथमेटिक्स इज डैश इंटरेस्टिंग देन साइंस. दो साइंस, दो चीज़ों के बीच में कंपैरिजन हो रहा है तो इंटरेस्टिंग से पहले क्या आ जाएगा? मोर. कंपैरेटिव डिग्री का यूज़ होगा यहाँ पे. नीना इज डैश इंटेलिजेंट डैश सीमा. दो लोगों के बीच में कंपैरिजन हो रहा है तो कौन सी डिग्री आनी चाहिए यहाँ? कंपैरेटिव. नीना इज मोर इंटेलिजेंट देन सीमा. दिस इज़ द डैश पेन. ये सबसे स्मॉलेस्ट ले लिया हमने, स्मॉलेस्ट पेन है. हमिंग बर्ड इज़ द फास्टेस्ट बर्ड इन द वर्ल्ड. सारी बर्ड्स में से कंपेरिजन हो रहा है बिकॉज, तो सुपरलेटिव डिग्री लग जाएगी. रोहित इज एज सक्सेसफुल एज रोहन. ही इज नॉट सो फेमस एज अमिताभ. समीर इज़ द मोस्ट टैलेंटेड बॉय इन द एंटायर स्कूल. शी कैन सिंग louder than her brother. Punctuality is as necessary as sincerity in life. Next is uses of adjectives. Adjectives of number and quantity. Adjectives ka use kaise hota hai? Like any. Any is used in negative sentences. Any ka use hota hai jab hum kisi negative sentence ki baat karein. Like I don't have any money, I don't need any help. Some ka use hota hai affirmative sentences mein. Means jo positive hai jinmein negativity nahi hoti. I have some money, I have some rice for dinner. Now some more adjectives. Few, a few and the few are used for countable nouns in sentences. Few, a few ya the few kab use hota hai? जो चीज़ें हम काउंट कर सकते हैं उनके साथ. लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल आर यूज फॉर अनकाउंटेबल नाउन्स. ये सब तीनों किसके लिए साथ यूज होते हैं? जिन्हें हम काउंट नहीं कर सकते. मैनी इज़ यूज टू इंडिकेट द नंबर ऑफ द काउंटेबल नाउन्स. मैनी का यूज़ हम कम करते हैं उस नंबर को इंडिकेट करने के लिए जो काउंटेबल है.
मच इज़ यूज टू इंडिकेट द क्वान्टिटी ऑफ द अनकाउंटेबल नाउन. मच किसके लिए यूज़ होता है? अनकाउंटेबल, जिन चीज़ों को हम काउंट नहीं कर सकते उनकी क्वान्टिटी बताने के लिए. नाउ एक्सरसाइज बी इज़ फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट फॉर्म्स ऑफ एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर और क्वान्टिटी. हर फ्रेंड्स वर प्लानिंग टू बाई डैश ब्यूटिफुल फ्लावर्स फॉर हर, सम ब्यूटिफुल फ्लावर्स फॉर हर. आई डोंट हैव एनी वर्क टू डू. हाउ मैनी रुपीज कैन यू स्पेंड? यू योर कॉम्पिटिशन इज गोइंग टू बिगेन इन फ्यू डेज. मे आई हैव सम टाइम टू थिंक? हाउ विल यू राइट अ बुक विद इन दिस लिटिल टाइम? आई डोंट हैव एनी मनी, देयर इज लिटिल वाटर इन द ग्लास. ये सब हमने इन सेंटेंसेस को पढ़ के उसके अकॉर्डिंगली इसमें फिल किया है. Now adjectives indicating age. Adjectives such as older and oldest, younger and youngest refer to age. Older, oldest, younger, youngest हमें obviously पता है ये age से related होते हैं. These adjectives are usually followed by then. और ये किसके साथ use होते हैं? Then के साथ. Elder, eldest are also used to indicating age, but they are also used to refer family relations. Elder, eldest ये तो हमें पता है age को रिलेट करता है, लेकिन ये फैमिली रिलेशंस को भी इंडिकेट करता है. एडजेक्टिव्स ऑफ टाइम एंड पोजीशंस. एडजेक्टिव्स सच एज लेटर एंड लेटेस्ट आर यूज्ड टू इंडिकेट टाइम. लेटर और लेटेस्ट किस लिए यूज़ होते हैं? टाइम को इंडिकेट करने के लिए. ये वेयर इज लेटर लास्ट एंड नेक्स्ट इम्प्लाय पोजिशन. और लेटर लास्ट एंड नेक्स्ट ये क्या बताता है? पोजिशंस. नाउ एक्सरसाइज सी इज फिल इन द ब्लैंक्स विद अप्रोप्रिएट फॉर्म्स ऑफ adjectives indicating age, time and position. Please remind me dash during the day about his call. Later during the day about his call. तो यहाँ पे हम adjectives of time indicate कर रहे हैं. Do you know the latest news? और यहाँ latest बोला तो यहाँ पे भी क्या हो रहा है? Adjective of times. Reading is the last thing I want to do. क्या बता रहा है ये? Position. Get ready for the next trip. अगली ट्रिप के लिए तैयार हो. तो ये भी क्या हो गया? पोजीशन. पीपल आर मेकिंग पेमेंट ऑन द लास्ट डेट. अगेन ये क्या हो गया? पोजीशन. बिटवीन अनु एंड तनु आई थिंक लेटर इज मोर एफिशिएंट. फिर से क्या हो गया? ये पोजीशन. गौतम इज सोहन्स एल्डर ब्रदर. एल्डर का यूज हो रहा है, मींस क्या बता रहे हैं? एज. दे ऑल विल ज्वाइन लेटर. लेटर का यूज हो रहा है, मींस ये अगेन क्या बता रहे हैं? एडजेक्टिव ऑफ टाइम. Now exercise D is write the comparative and the superlative forms of the following. इनकी comparative और superlative forms लिखनी है आपको, like good, more good, most good. Fat, fatter, fattest. Popular, more popular, most popular. Bad, better, baddest. Wealthy, wealthier, wealthiest. Intelligent, more intelligent, most intelligent. Like, little, less, least. Old, older, oldest. Ugly, uglier, ugliest. Courageous का more courageous, most courageous. White का whiter, whitest. Funny का funnier, funniest. As हमें क्योंकि हमें पता है comparative में er form लगती है और superlative में est form लगती है, और जिन words को हम change नहीं कर सकते उनमें more या most का use होता है.